गोवर्धन राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन फॉल्ट होकर आश्रम पर गिर पड़ी, जिसके चलते आश्रम में करंट आने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर लाइनमैन ने आकर लाइन को काटा। राधा कुंड छोटी परिक्रमा मार्ग स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर पर उस समय हड़कंप मच गया जब आश्रम के ऊपर से होकर गुजर रही 11,000 की पावर लाइन में अचानक फॉल्ट हो गया। उसके बाद तेज आवाज के साथ तार टूटकर आश्रम में आ गिरा, जिसके चलते वहां रखी राज गद्दी में आग लग गई और आश्रम की बिल्डिंग में तेज करंट दौड़ गया। गनीमत रही कि फॉल्ट के समय आश्रम की छत पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फॉल्ट के बाद सूचना पर लाइनमैन आश्रम पहुंचे और लाइन काट कर अलग की। आपको बता दें कि ये 11,000 की लाइन आश्रम की छत के ऊपर से गुजर रही है, जिसके चलते आश्रम में रह रहे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जब तक इस हाई वोल्टेज लाइन को आश्रम से अलग होकर नहीं निकाला जाएगा, तब तक वह इस लाइन को नहीं चलने देंगे।